गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल ऑफ ऑर्डर लिस्ट हमने किया था। इस वीडियो में हम यानी अनऑर्डर लिस्ट का हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमें पता है कि अनऑर्डर लिस्ट जो एचटीएमएल में अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट भी कहते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं यूएल टैग से, और उसमें जो लिस्ट ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम एलआई टैग से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम इसका प्रैक्टिकल बनाएंगे। होप सो आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे जो एग्जांपल हमारा प्रैक्टिकल सेवन था। अभी हमारा प्रैक्टिकल एट है। तो एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। तो इन सब को मैं अभी यहाँ से मिटाती हूँ कि हमें पता है कि अनऑर्डर लिस्ट को हम यानी किस टैग से स्टार्ट करते हैं। यूएल टैग से हम स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को, और उसमें जो लिस्ट ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम यानी एलआई टैग से स्टार्ट करते हैं। यूएल टैग को हमने स्टार्ट किया तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, और उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनको हम एलआई टैग से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने उसमें भी किया था एलआई, जिसे यहाँ पे हमें SHAHAR शहर लिखती हूँ बानू, फिर इसके बाद एलआई क्लोज, फिर इसके बाद फिर से एलआई स्टार्ट, फिर इसके बाद जैसे FATI में फातिमा, एलआई क्लोज, फिर इसके बाद फिर से एलआई स्टार्ट, KHATI जे खतीजा, एलआई क्लोज, फिर इसके बाद एलआई HAKIME हकीमा, फिर इसके बाद एलआई क्लोज। तो ये है हमारा एलआई जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम स्टार्ट करते हैं यूएल टैग से, और जिसमें लिस्ट ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम एलआई टैग से स्टार्ट करते हैं। मान के चलो ये एटम्स है, अगर आप एक स्टेशनरी का लिस्ट बना रहे हो तो उस टाइम आप यहाँ पे स्टेशनरी का लिस्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर यानी चीज़ का एग्जांपल बना रहे हो, तो जैसे कि सीरियल नंबर या वगैरह लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वगैरह बनाते हो, उस टाइम आप यानी एलआई टैग स्टार्ट और एलआई टैग क्लोज के बीच में उसका यानी लिस्ट भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ऑनऑर्डर लिस्ट में जिसमें नंबर्स में नहीं होते हैं, ऑर्डर्स में बुलेट्स में होता है। तो चलो हम इसको सबसे पहले सेव करती हूँ, इसको देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसा आते हैं। जैसे प्रैक्टिकल, ये हमारा प्रैक्टिकल एट है, PRACTICL प्रैक्टिकल एट .html से मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी मैंने इसको सेव किया, डेस्कटॉप में जाने हैं अभी हमें, फिर इसके बाद एग्जांपल, फिर यहाँ पे हमें एग्जांपल में हमने अभी क्या किया था, प्रैक्टिकल एट इसको रन करना है। तो ये है हमारा एग्जांपल एट का, यानी जो हमारा प्रैक्टिकल एट का आउटपुट। तो एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट हमने लिखा था, बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा था, फिर इसके बाद जो लिस्ट आए थे जैसे कि शहर, फातिमा, खतीजा और हकीमा, तो हमने इसको कहाँ पे किया है, नोटपैड प्लस प्लस में बनाया अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल। जैसे आपको पता है कि अनऑर्डर लिस्ट, अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो अनऑर्डर लिस्ट यानी स्टार्ट होता है यूएल टैग से, फिर इसके बाद यूएल टैग को क्लोज करना होता है। जो इसके अंदर जितने भी लिस्ट ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम एलआई के अंदर यानी क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो एलआई टैग स्टार्ट, फिर इसके बाद क्लोज, फिर हर एक लिस्ट के लिए आपको एलआई स्टार्ट करना है। तो ये हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। बॉडी के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इन सबको डिफाइन करना है। होप्स आप लोगों को